हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नया वीडियो। आज इस वीडियो में आपसे बैंगन के अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बैंगन का वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलोंजिना है। बैंगन सोलेनेसी कुल की एक महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसल है। बैंगन के मुख्य रोग। बैंगन की फसल पर कई रोगों का प्रकोप होता है, जिनमें अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, फोमोप्सिस ब्लाइट, लिटिल लीफ सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, स्क्लेरोटिनिया कॉलर रोट, डैम्पिंग ऑफ रस्ट और विल्ट आदि प्रमुख है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी दबाना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और बैंगन के अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। रोग का परिचय। यह एक कवक जनित रोग है। यह रोग अल्टरनेरिया कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। भारत में सर्वप्रथम उपल व सहयोगियों द्वारा 1954 में बैंगन की फसल पर अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा जनित अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग को बॉम्बे में देखा गया। इस रोग के कारण उत्पादन में 30-40% तक हानि हो जाती है। रोग के लक्षण। रोग की शुरुआती अवस्था में पत्तियों पर भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बन जाते हैं। इन धब्बों के मध्य संकेंद्रीय वल्ले पाई जाती है। रोग की उग्र अवस्था में कई सारे छोटे धब्बे आपस में मिलकर पत्ती के अधिकांश भाग पर फैल जाते हैं और उत्तक क्षय कर देते हैं। फल पर रोग का प्रकोप होने से बड़े आकार के गहरे उत्तक क्षय धब्बे बन जाते हैं, जिससे फल पीला पड़कर गिर जाता है। रोग जनक। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया मेलोंजेनी और अल्टरनेरिया अल्टरनाटा नामक कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। अल्टरनेरिया वंश का सर्वप्रथम वर्णन नीज द्वारा 1816 में किया गया। अल्टरनेरिया कवक के कोनिडियम म्यूरिफॉर्म होते हैं, जिनमें 4 से 12 ट्रांसवर्स तथा 0 से 5 लॉन्गिट्यूडनल पट पाए जाते हैं। अल्टरनेरिया कवक का कवक जाल पटयुक्त साखित तथा हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग का होता है। अल्टरनेरिया कवक के कोनिडिया चोंचयुक्त होते हैं तथा कोनिडिया श्रृंखला में उत्पन्न होते हैं। अल्टरनेरिया कवक के कोनिडियम म्यूरिफॉर्म कोनिडियम कहलाते हैं। ये कोनिडियम चोंच युक्त होते हैं तथा इनमें ट्रांसवर्स तथा लॉन्गिट्यूडनल पट पाए जाते हैं। रोगजनक का वर्गीकरण। क्रिक व सहयोगियों 2008 के अनुसार अल्टरनेरिया कवक डोमेन यूकेरिया किंगडम फंजाई कैटेगरी हाइपोमाइसिटिस एनामोर्फिक फंजाई के अंतर्गत आता है। रोग प्रबंधन। रोग के नियंत्रण के लिए संक्रमित पादप भागों तथा पादप अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। सिफारिश अनुसार कवकनाशियों का छिड़काव करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, हमने आपको बैंगन के अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग के बारे में विस्तार से जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो में कोई त्रुटि या कोई कमी रहती है तो आप रेफरेंस बुक की सहायता ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी दबाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।